हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस। आई जस्ट होप दैट वी आर लाइव। बचा पार्टी, फटाफट से मुझे आप लोग बता दीजिए कि क्या हम लोग यहां पर लाइव आ चुके हैं या नहीं। ठीक है, सो लेट मी चेक आर वी लाइव और नॉट। एंड यस, बचा पार्टी, हम लोग यहां पर लाइव आ चुके हैं और आज हम लोग यहां पर कंटिन्यू करने वाले हैं वही पर्टिकुलर टॉपिक जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। We are going to see about the Portis 5-Force model, right? Portis 5-Force model को बेटर पार्टी आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं और प्रोबेबली हम लोग इसको कंप्लीट भी कर देने वाले हैं आज। ठीक है, सो वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। श्रीपर्णा इज हियर, दीपक माहेश्वरी इज हियर, पूजा कुमारी एंड मेनी मोर स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग। सो यस गाइज, गुड इवनिंग एंड आई होप दैट आप लोग थोड़ा बहुत रिवाइज कर रहे हो, आप लोग नोट्स के थ्रू जा रहे हो और आपको यहाँ पर बहुत ही आसान भी लगता रहेगा। ठीक है, और बहुत ही जल्द मैं आपके लिए एक सेशन लेकर आने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या होने वाली हमारी EIS की स्ट्रैटेजी, राइट? सो बचा पार्टी, बहुत जल्द हम लोग EIS भी शुरू करेंगे, मे बी फ्रॉम द मिड ऑफ दिस मंथ। आई विल लेट यू नो द डिटेल प्लान अबाउट द सेम। एंड जल्दी से फटाफट से शुरुआत करते हैं बचा पार्टी। शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों का एक ही मिनट चाहता हूँ, ठीक है, ज्यादा समय नहीं दूंगा बच्चा पार्टी। इफ एनीवन ऑफ यू वांट्स टू टेक सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी, आप लोग यहां पर जा सकते हो अनअकैडमी की वेबसाइट पर। नाउ यू कैन जस्ट चेक इट आउट ओवर हियर। आपको आपका गोल सिलेक्ट करना होगा जो कि CA सिलेक्ट करने के बाद CA इंटरमीडिएट पर आपको करना होगा क्लिक। एज सून एज यू क्लिक ऑन CA इंटरमीडिएट, यू कैन चेक इट आउट ओवर योर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को सारे प्लस के बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको प्रिंटेड बुक्स, डाउट सॉल्विंग एंड लाइव मेंटरशिप मिलेगी वन ऑन वन, राइट? तो प्लस के बेनिफिट्स क्या है हम लोग जल्दी से देखते हैं। प्लस के बेनिफिट्स, यू आर गेटिंग डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू अनलिमिटेड वीडियोस आउट देयर। You can also check it out the light subscription. Light subscription में आपको कोई videos नहीं मिलेंगे, लेकिन light subscription में you only get access to the test series and daily practice questions. Right everyone? समझ में आ गई क्यों? थोड़ा थोड़ा समझ रहा है ना कैसे क्या है? तो हम लोग इसकी फटाफट से pricing details देख लेते हैं। Pricing details इसकी यहाँ पर get subscription पर अगर तुम लोग क्लिक करोगे तो आपको सारी pricing details यहाँ पर पता चल जाएगी। You can just select over here and you can check it out the pricing details। लेकिन ये prices और भी reduce हो सकते हैं अगर आप लोग apply करते हो DAGA10 इस code को, ठीक है? DAGA10 is the code and as soon as you apply this code you will get the maximum possible discount। You can check it out, the prices have reduced। 24 months के prices है 30,375, 18 months is 27,900, 12 months is 22,500, 6 months is 17,550 and so on। You can go for the iconic subscription as well, you can check it out the prices according to the different tenures and you can check it out the light prices where you get access to only and only test series and curated practice questions, ठीक है? So guys, DAGA10 is the code, इस code को भूलिएगा मत। अगर आप, आपके friend या फिर कोई भी आपके relative Unacademy पर कोई भी subscription लेना चाहते हैं तो बच्चा पार्टी आप लोग ले सकते हो subscription and you can use my code that is DAGA10, you will get maximum possible discount, ठीक है? शुरू करें। सर, EIS will be on YouTube और special class, मैं इसके बारे में भी आपको तभी बताऊंगा, ठीक है? Yes, starting में तो तुम्हारा होने वाला है वो YouTube पर ही, ठीक है? Later on it might changed, I will tell you everything about it, ठीक है? So बच्चा पार्टी, फटाफट से शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा रिविजन करेंगे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल गए होंगे। तो बच्चा पार्टी थोड़ा सा रिविजन करते हैं। रिविजन के लिए मैं आपको फास्ट रिविजन होगा और सबको मेरे साथ रहना पड़ेगा रिविजन में। हम लोगों ने क्या क्या देखा था? सी गाइज, दिस इज योर Portis 5-Force मॉडल, ठीक है? Portis के 5-Force मॉडल है। इसमें कौन सी वो पांच चीजें हैं फटाफट से मेरे साथ आप सभी लोग यहां पर बताने वाले हो, कौन सी पांच चीजें हैं कि यहां पर देखना बच्चा पार्टी, क्या है ये? सप्लायर्स, मतलब यहां पर द बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स। वी हैव सीन अबाउट industry competitors, that is rivalry among the existing firms, firms in other industries, those who are actually having substitute products and potential new entrants,
पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट्स, हम लोगों ने हमारे लेक्चर नंबर 1 में पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट के बारे में देखा था, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि कैसे तरीके से हम लोग कॉम्पिटिशन को कैसे हटा सकते हैं, हाउ कैन वी आउटस्टैंड इन द मार्केट, हाउ कैन वी आउटस्टैंड इन द कॉम्पिटेटिव मार्केट। तो कॉम्पिटेटिव मार्केट में सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि न्यू एंट्री कैसे लोगों की नहीं होनी चाहिए, कैसे दूसरे लोगों की नहीं होनी चाहिए हमारे पर्टिकुलर बिजनेसेस में। तो यहां पर पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट अगर आते हैं तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होगा, लेकिन हाउ कैन यू एक्चुअली हैव सच अ प्रोडक्ट और सच अ सर्विसेज वेयर इन तुम्हारे इसमें ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं रहेगा। अगर नहीं रहता है तो यू कैन एक्सीड इन योर बिजनेस, राइट, यू कैन एक्सेल इन योर बिजनेस। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोगों ने देखा था उसी की तरफ जाते हैं। बच्चा पार्टी देखना है, यहाँ पर हम लोगों ने थ्रेट ऑफ द न्यू एंट्रेंट के बारे में देखा था, थ्रेट ऑफ द न्यू एंट्रेंट के बारे में। और ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, द बिगर द न्यू एंट्रेंट द मोर सीवियर द कॉम्पिटिशन विल बी, बिगर द न्यू एंट्रेंट। जैसे कि हम लोगों ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में देखा था, टेलीकॉम इंडस्ट्री में वी हैव सीन द एग्जाम्पल ऑफ एयरटेल के लिए कौन कॉम्पिटिटर आया, जियो कॉम्पिटिटर आया। बिगर द कॉम्पिटिटर, बिगर द न्यू एंट्रेंट, बिगर इज द कॉम्पिटिशन, मोर इज द कॉम्पिटिशन। सो वी हैव सीन द एग्जाम्पल ऑफ जियो, यस, न्यू एंट्रेंट कैन ऑल्सो प्लेस अ लिमिट ऑन प्राइजेस एंड अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। ऑफकोर्स प्राइस वॉर होता है, ऑफकोर्स होता है, वी हैव सीन इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री इटसेल्फ हाउ देयर हैज बीन अ प्राइस वॉर बिटवीन द डिफरेंट प्लेयर्स इन द सेम सेक्टर ओवर देयर, राइट। सो प्रॉफिटेबिलिटी एग्जिस्टिंग वालों की कम हो गई, बहुत ज्यादा कम हो गई थी। वी हैव ऑल्सो सीन कि कैसे बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज की भी बैन बच चुकी है। हम लोगों ने देखा था वोडाफोन आइडिया मर्ज हो चुका है, ठीक है, और वोडाफोन आइडिया पहले अलग अलग हुआ करता था। देर इज सो मच ऑफ डेट ऑन द वोडाफोन आइडिया, हाउ दे आर लूजिंग द सब्सक्राइबर बेस, हाउ दे आर गोइंग इन टू मोर डेट्स। सो वो सारी चीजें भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे ही एक नया बड़ा प्लेयर मार्केट में आ जाता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है, ठीक है। सो यहां पर बच्चा पार्टी देखना है, यहां पर एयरटेल वोडाफोन आइडिया, एयरटेल वोडाफोन आइडिया, ठीक है, और कैसे हमारा जियो आने के बाद क्या हो चुका था, खलबली मच गई थी, ठीक है। सो टू डिस्करेज द न्यू एंट्रेंट एग्जिस्टिंग फर्म कैन ट्राई टू रेज बैरियर। देखो यार, हम लोग क्या कह रहे हैं, अभी हम लोग ना सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे तो डेफिनेटली हम लोग चाहेंगे कि कंपटीशन कम होना चाहिए, डेफिनेटली चाहेंगे कि हम लोग कैसे ही अकेले रहने चाहिए इस मार्केट में और कैसे हम लोग इस मार्केट को रूल करेंगे, ठीक है। सो यहां पर ये लोग क्या बोलना चाहते हैं कि कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर बहुत ज्यादा होती है तो वो लोग तुम्हारा बिजनेस में आने के लिए डरेंगे, क्योंकि तुम्हारे बिजनेस में कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है। सो हम लोगों ने देखा था यार, एयरलाइंस के बिजनेसेस में कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हाई होती है, इसलिए वहां पर ज्यादा कॉम्पिटिटर्स भी नहीं होते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है। सो अगर कोई कंपनी बहुत लार्ज स्केल तक ये प्रोडक्शन कर सकती है तो यार उनको टक्कर देना बहुत ही डिफिकल्ट रह जाएगा। अगर मैं आज बात करूं मारुति सुजुकी की, तो मारुति सुजुकी को कोई दूसरा प्लेयर अगर टक्कर देने आता है, कोई नया प्लेयर आता है, तो मारुति सुजुकी जो वॉल्यूम में गाड़ियां बनाता है और जो कॉस्ट पर गाड़ियां बनाता है, शायद वो दूसरी कोई कंपनी बना नहीं पाएगी। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल वी हैव सीन, प्रोडक्ट डिफरेंसिएशन, यस, वी हैव ऑल्सो सीन द प्रोडक्ट डिफरेंसिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंसिएशन क्या कहता है, यू नीड टू मेक श्योर दैट कि तुम्हारा प्रोडक्ट यूनिक कैसे है मार्केट से, तुम्हारा प्रोडक्ट कैसे अलग है, और ये इतना ज्यादा अलग होना चाहिए कि कोई जो नया प्लेयर आएगा ना तो वो टिक नहीं पाएगा तुम्हारी उस यूनिकनेस की वजह से, राइट। तुमने शार्क टैंक इंडिया देखा है तो कुछ तो यूनिकनेस होनी चाहिए तुम्हारे प्रोडक्ट में, आप लोगों को उतना तो समझ में ही आया होगा, राइट। देन यू हैव सीन, वी हैव सीन स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट में हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था विंडोज। नाउ विंडोज ये ऑपरेटिंग सिस्टम को आज तक कोई बदल नहीं पाया है और ना ही कोई बदल पाएगा। यू नेवर नो अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर इज वेरी वेरी अनसर्टन। लेकिन यार आज अगर मुझे यहाँ पर विंडोज है तो यार कोई नया प्लेयर ऐसा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि वो आकर मतलब लोग विंडोज लेना बंद करें और लोग दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रेफर करें। ये बहुत 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 ज़्यादा डिफिकल्ट है और स्विचिंग करने के लिए स्विचिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। और अगर देखो यार, मतलब कंपेटेबिलिटी भी एक इशू होती है, ठीक है, कंपेटेबिलिटी। अगर हमारे सारे के सारे जो डिवाइसेस है वो एक दूसरे से बहुत ही ईजिली कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो हम लोग वहाँ पर कंफर्टेबल होते हैं। स्विचिंग कॉस्ट अगर ज़्यादा नहीं होती तो हम लोग वहाँ पर कंफर्टेबल होते हैं। जैसे कि एप्पल आया है, लेकिन एप्पल एक अलग सेगमेंट है, एप्पल का पूरा एक अलग मार्केट है, मतलब एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर लोग हैं जो स्विचिंग कॉस्ट को भी अफोर्डेबिलिटी कर सकते हैं वो है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम प्लेयर आर इन द विंडोज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, यस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ही है। सो यार पिता पार्टी ऐसी ऐसी आपको चीज बनानी है कि यार लोग उसको रिप्लेस करने के लिए ना इतना डिफिकल्ट हो जाए, बहुत ज्यादा ह्यूज स्विचिंग कॉस्ट उनको लगना चाहिए, ऐसा कोई प्रोडक्ट तुमको बनाना है। ब्रांड आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि तुम्हारी ब्रांड की कोई स्पेसिफिक पहचान होनी चाहिए, ठीक है। आज अगर कोई एक नया प्लेयर मार्केट में आता है टेलीकॉम के लिए, तो यार इट इज वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू सेल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। लेकिन जियो आया है तो उसके लिए आसान था, यस बिकॉज ही ऑलरेडी हैड अ वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड। या फिर एग्जिस्टिंग प्लेयर जो है उसका ब्रांड इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि लोग दूसरा ब्रांड लेने के लिए 10 बार सोचेंगे, 1000 बार सोचेंगे कि वहां पर वो लेना है या नहीं लेना है। सो ऐसी ब्रांड आइडेंटिटी बना दो आप, ऐसी ब्रांड आइडेंटिटी बना दो कि लोग दूसरा प्लेयर भी आए ना वो 10 बार सोचेगा कि मैं इस इंडस्ट्री में उतरूं या नहीं उतरूं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तो लोग दूर दूर तक नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट नया है और ऑलरेडी एक बहुत अच्छा ब्रांड मार्केट में है। सो ब्रांड आइडेंटिटी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यस एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यार डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत ज्यादा होने चाहिए। सो अगर तुम्हारे पास एक्सेसिबिलिटी कम है और तो तुम्हें बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। लेट अस टॉक अबाउट द वॉलमार्ट। द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ द वॉलमार्ट इज सच अमेजिंग, इन एवरी कंट्री यू विल फाइंड द ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, कितने सारे कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं। दे आर हैविंग द यूनिकनेस इन द प्रोडक्ट एज वेल, दैट इज दे आर गोइंग टू सेल एट लो प्राइजेस दैट टू एवरी डे लो प्राइजेस। ऐसा नहीं कि एक ही दिन पर लो प्राइजेस रहेगा, महीने में एक दिन लो प्राइजेस रहेगा। सो नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यूनिकनेस बहुत ज्यादा है, ब्रांड बहुत अच्छा है, ठीक है। और 10 बार लोग सोचेंगे कि दूसरे स्टोर से जाने से अच्छा कि भाई वॉलमार्ट से ले लेगा। सो द काइंड ऑफ ब्रांड आइडेंटिटी दे हैव क्रिएटेड इज अमेजिंग। सो इंडिया में उसी का जो भाई है वो कौन है, उसी का भाई जो इंडिया में ऐसे कर रहा है, डीमार्ट। सो यार डीमार्ट हैज क्रिएटेड इट्स ओन स्पेस इन द मार्केट by increasing the distribution channels, by increasing the DMart stores, और वो आज जो है, मतलब मैं आज भी अगर मुझे कोई दूसरा भी प्लेयर आता है मार्केट पे, तो आई वुड बी लाइक कि मैं सबसे पहले डीमार्ट के पास ही जाऊंगा। मैं 10 बार सोच चुका दूसरे प्लेयर के पास जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर उनके प्रोडक्ट में यूनिकनेस है, डिफ्रेंसिएशन है उनके प्रोडक्ट में, यहाँ पर वो ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट कर दिया है। सो डेफिनेटली ब्रांड आइडेंटिटी, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत ही इजिली एक्सेसिबल है। डीमार्ट आज सिटी में अगर मैं देखूँ तो मैं जिस एरिया में भी अलग अलग जगह पर रहा हूँ ना, उसके आसपास डीमार्ट रहा ही है। तो उन्होंने इतना अच्छा उनका स्टोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना दिया है, राइट। सो पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन बाय एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, अगर कोई नया मार्केट में प्लेयर आता है, ठीक है। सर वेयर कैन आई गेट द प्रीवियस लेक्चर्स? श्रिया, यू कैन गेट द प्रीवियस लेक्चर ऑन दिस चैनल ओनली, और इस चैनल पे मैं सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा और प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सो बच्चा पार्टी, एग्जिस्टिंग प्लेयर रिटेलिएट करता है, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्लेयर रिटेलिएट करता है, जैसे ही जियो आया तो सारे लोग तो रिटेलिएट नहीं कर सके, लेकिन एयरटेल वॉज द वन विच वॉज एक्चुअली इन द फुल प्लानिंग के साथ उसको रिटेलिएट कर रहा है, उसके सब्सक्राइबर्स को मेंटेन किए जा रहा है, कुछ ना कुछ दूसरे प्लान्स लेकर आ रहा है। तो यार एग्जिस्टिंग प्लेयर्स कभी कभी बहुत ज्यादा रिटेलिएट करते हैं कि वो जो नया प्लेयर आया है उसको हम लोग, फिर भी आया है तो ठीक है, लेकिन उसको भगाने की कोशिश करेंगे। सो पॉसिबिलिटी ऑफ द एग्रेसिव रिटेलिएशन बाय द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। सो एयरटेल ने भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जियो भागने वाले में से नहीं था। मतलब ऐसे कुछ प्लान्स लेकर आ जाओ कि वो लोग चले जाए, राइट ना, वो लोग चले जाए। सो बच्चा पार्टी देखना है, यहाँ पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हम लोगों ने एग्जांपल देखा था IBM का, कैसे ये माइक्रो प्रोसेसर्स इतने ह्यूज वॉल्यूम में बनाते हैं कि कोई भी उनको यहाँ पर क्या कर सकता है, कोई भी उनको यहाँ पर बीट नहीं कर सकता है। यहाँ पर देखना बच्चा पार्टी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में यूनिकनेस होना चाहिए। स्विचिंग कॉस्ट मतलब हम लोगों ने विंडोज का एग्जाम्पल ऑलरेडी देखा था। यहाँ पर देखना बच्चा पार्टी, ब्रांड आइडेंटिटी आज होंडा एक ब्रांड है, ठीक है। आज होंडा एक बहुत अच्छा ब्रांड है, तो यार मतलब वो कहते हैं ना कि एक ब्रांड की जो आइडेंटिटी होती है ना, तो दूसरे ब्रांड की तरफ जाने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसी एक आपकी ब्रांड आइडेंटिटी होनी चाहिए। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, देयर शुड बी अ गुड एक्सपोजर, अगर वो रहता है तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द न्यू प्लेयर्स टू एक्चुअली सर्वाइव इन द मार्केट। तो हम लोग तो वही चाहते हैं ना कि न्यू एंट्रेंट दब कर रहे हैं, न्यू एंट्रेंट आना नहीं चाहिए, राइट।
पॉसिबिलिटी ऑफ द एग्रेसिव रिटालिएशन. रिटालिएशन पतंजलि जब आया था, पतंजलि जब आया था नया, तो यहाँ पर HUL ने बहुत तगड़ी मार्केटिंग करी. HUL, डाबर, इन लोगों ने मिलकर इतनी ज्यादा पब्लिसिटी करी, इतनी ज्यादा पब्लिसिटी करी, इतना ज्यादा एडवर्टाइजिंग किया, क्योंकि वो चाहते थे कि पतंजलि मार्केट से चले जाना चाहिए, इस नए प्लेयर को हमको निकाल देना है, ठीक है. लेकिन ऐसा वो नहीं कर सके. लेकिन हाँ, देर कैन बी अ वेरी ग्रेट अमाउंट ऑफ रिटालिएशन फ्रॉम दिस प्लेयर. यस, समझ में आ गई क्यों बच्चा बाड़ी, समझ में आ रहा है? ये सब कुछ हम लोगों ने देखा था हमारे प्रीवियस सेशन में, और आज हम लोग बढ़ने वाले आगे के चार पॉइंट्स की तरफ. तो ये सिर्फ और सिर्फ पहला ही पॉइंट था क्या, न्यू एंट्रेंट वाला. तो न्यू एंट्रेंट वाला पॉइंट, ये पॉटर के फाइव फोर्स मॉडल में हम लोगों ने सिर्फ एक ही पॉइंट देखा है, और उस एक पॉइंट में बहुत ज्यादा पॉइंट, अलग 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 पॉइंट हम लोगों ने देखे हैं. सो अब भी हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़े क्या? चलिए बढ़ सकते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, ठीक है. पॉटर क्या बोलता है देखना बच्चा बाड़ी. पॉटर, बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स के बारे में भी हमारे पॉटर जी कह रहे हैं. क्या बोल रहे हैं पॉटर जी देखना बच्चा पार्टी यहां पर. बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स इन्फ्लुएंस नॉट ओनली द प्राइसेस दैट द प्रोड्यूसर कैन चेंज, बट ऑल्सो द इन्फ्लुएंसेस द कॉस्ट एंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर. बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स. ऑफकोर्स गाइज, हम लोगों को यहाँ पर कंपटीशन के बारे में उन्होंने पांच पॉइंट बोले, उसमें से दूसरा पॉइंट हम लोग कर रहे हैं कि बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स. बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर इन्फ्लुएंसेस नॉट ओनली द प्राइसेस दैट द प्रोड्यूसर्स कैन चार्ज, बट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द कॉस्ट एंड द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द प्रोड्यूसर. गाइज यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करना. कुछ मार्केट जो बहुत ही सैचुरेटेड मार्केट होते हैं, कुछ मार्केट जो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है, जहां पर सेलर्स कैन नॉट डिसाइड द प्राइस एक्चुअली, बिकॉज अगर सेलर ने यहां पर मस्ती करी तो बायर दूसरे सेलर के पास चले जाएगा. सपोज यहां पर लेटेस्ट से कि अमूल, ठीक है, अमूल की प्राइसेस सब जगह पर सेम है, अमूल की प्राइसेस सब लोग बेच रहे हैं, लेकिन एक बायर आया और ये वाले सेलर ने अगर उसको ज्यादा प्राइस चार्ज किया, ठीक है, सो आर यू गोइंग टू परचेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेलर? नो, बिकॉज यू एग्जैक्टली नो दैट कि वो प्रोडक्ट जो है वो सस्ते में मिल सकता है. सो और अगर बायर किसी चीज को क्वांटिटी में भी प्ले कर रहा है, तो कभी कभी क्या करता है वो, तुम्हें पता है कि तुम लोग एक प्रोडक्ट खरीदने गए, चले गए, चलो सपोज तुम मुंबई में जा रहे हो, ठीक है, मुंबई में तुम्हें एक प्रोडक्ट खरीदना है, देन वॉट यू से दैट कि मुझे ये प्रोडक्ट ना बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में खरीदना है, ह्यूज क्वांटिटी में, टन्स में खरीदना है, ठीक है. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉट आर यू डूइंग? यहाँ पर बायर तुमको कह रहा है कि भाई मैं लाखों का माल खरीदने वाला हूँ, करोड़ों का माल खरीदने वाला हूँ, तो मेरे को पैसा कम कर दे. अगर तुमने नहीं किया तो यार मेरे को वहां पर अच्छी ऑफर मिल रही है, मैं जा रहा हूँ वहां पर. सो नाउ व्हाट दैट पर्टिकुलर सेलर और व्हाट दैट पर्टिकुलर प्रोड्यूसर इज थिंकिंग कि भाई ये तो बहुत क्वांटिटी में खरीद रहा है. सो यहाँ पर तुम प्राइस भी कंट्रोल कर रहे हो, उसने जो इन्वेस्टमेंट्स किया है उसके मशीनरीज पर उसको भी कंट्रोल कर रहे हो, उसके क्वांटिटी को भी कंट्रोल कर रहे हो. यस, सो बार्गेनिंग पावर हो सकती है क्या? हो सकती है. बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, लेकिन ये हर एक टाइप के मार्केट में नहीं करेगी. इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट टू मार्केट, जहां पर उसकी पावर दिख सकती है, बिल्कुल दिख सकती है. कुछ पॉइंट्स देखने की कोशिश करते हैं. मैंने सबसे पहले क्या बोला, बायर शुड हैव द फुल नॉलेज. मैंने अमूल मिल्क का एग्जांपल दिया, अमूल दूध का एग्जांपल दिया. तुमको पता है वो 25 रुपए की थैली मिलती है, तो 25 रुपए दूसरी जगह पर भी 25 मिलनी चाहिए. सो डू यू हैव अ कंट्रोल ओवर योर राइट नाउ? यस. तो सेलर के पास कंट्रोल है क्या? नहीं है. देखना बच्चा पार्टी, बायर्स हैव द फुल नॉलेज ऑफ द सोर्सेज ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड दे आर सब्सटीट्यूट्स, दस द चैलेंजिंग द प्राइस बीइंग चार्ज बाय द प्रोड्यूसर. तो यहां पर वो प्रोड्यूसर को बोलेगा, प्रोड्यूसर भैया हमको सब कुछ पता है, तुम हमसे झूठ ना बोलो, ठीक है, हमसे झूठ ना बोलो. और कई कई पर स्कोप रहता है, चलो चलिए कुछ प्रोडक्ट का स्कोप है प्राइस कम करने के लिए. तुम चले गए मार्केट में, ठीक है. अभी रिसेंटली हमको ना एक गिफ्ट देना था, ठीक है, हमारे सारे घर वालों को गिफ्ट देना था. हमने उस गिफ्ट को हमारे लोकल भैया से पूछा, लोकल जो भैया है वहां से पूछा, वो कह रहा था कि ये हम तुम्हें 600 का दे देंगे. उसने प्राइस कम किया, क्वांटिटी के हिसाब से भी उसने कम किया, लेकिन हमने बोला देखो भाई हमको बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी चाहिए है, ह्यूज क्वांटिटी चाहिए. देख तेरा तू यहाँ पर लोकल मार्केट में बैठा है और तू आज सोच हम लोग इतना ह्यूज क्वांटिटी ले रहे हैं गिफ्ट देने के लिए, ठीक है, हमें ये अच्छी प्राइस मिल रही है, थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, लेकिन वो हमें होम डिलीवरी भी देने के लिए रेडी है, तो हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, एक बार हम जाएंगे प्रोडक्ट चेक करेंगे, हमें मिल जाएगा, ठीक है. सो बताइए क्या कर रहे हो? तो हमने उन पर क्या क्रिएट किया, प्रेशर क्रिएट किया.
बार्गेनिंग पावर, क्योंकि हमको उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज थी, हमको पता था कि मार्केट में ये प्रोडक्ट 550 रुपए में भी मिल रहा है, 600 का प्रोडक्ट 550 में भी मिल रहा है। हमने हमारी यहाँ पर क्या की, बार्गेनिंग पावर ऑफ अ बायर दिखाया, क्योंकि हमें उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज था। हमने यहाँ पर सप्लायर को यहाँ पर डोमिनेट करने नहीं दिया, और हमने बेटा वही लोकल मार्केट से वो गिफ्ट उठाए, ठीक है, वही लोकल मार्केट से गिफ्ट उठाए, क्योंकि यार उसको भी तो बैठे बैठे उसका टर्नओवर जो है ना वो 600 रुपए की चीज, सपोज मैं यहाँ पर 100 क्वांटिटी ले रहा हूँ तो 60,000 जो हो रहा था उसको फिर भी अगर 550 भी कर रहा है तो ऑलमोस्ट अराउंड अराउंड 55,000 के आसपास तो आ रहा है, 55,000 के आसपास तो आ रहा है, तो एक साथ उसको एक बल्क में मिलेगा। और अगर उसका मार्जिन जनरली 100 रुपीज होता है, फिर भी 50 रुपीज के मार्जिन में ही इज हैविंग दैट प्ले, राइट। और यहाँ पर किसके वजह से कम किया, क्योंकि बायर को यहाँ पर परफेक्ट नॉलेज था गुड्स के बारे में, सो यहाँ पर बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर हम लोगों ने देखा है कि बायर्स हैव द फुल नॉलेज ऑफ द सोर्सेज ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड देयर सब्स्टिट्यूट्स, एंड देयरफॉर वी हैव चैलेंज्ड द प्राइस, चैलेंजिंग द प्राइस बीइंग चार्ज्ड बाय द सप्लायर। हमने इसको चैलेंज किया कि बेटा तुमने अगर हमको प्राइस को कम नहीं किया तो हम तो दूसरे के पास से ले रहे हैं भाई। आप लोगों ने भी ऐसे किया होगा, आप लोग आज मम्मी के पास जाना, पापा के पास जाना और बताना कि आप लोगों ने कभी ऐसा किया है क्या, आपको कभी बल्क में परचेस करना था, आपने तुमने कभी तुम्हारे सेलर को धमकी दी क्या, हम लोग तुमसे नहीं किसी और से खरीदेंगे। ये यार ये हम हर एक इंसान करता है भाई, हर एक इंसान करता है ये अपने जीवन शैली में एक बार तो ऐसा इंसान कभी ना कभी तो करता ही है, ठीक है। सो क्या है ये बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स। सेकंड पॉइंट, दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट दैट दे आर बिग बायर्स, दस अ पोजिशन टू डिमांड फेवरेबल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट That is, they are the big buyers. ऐसे क्या होता है कभी कभी ना, तुमको पता है कि यार ये जो है ना ये बंदा बड़ा बायर है मार्केट में, ठीक है, और उसको रिकरिंग क्वांटिटी भी लगने वाला है, एंड दैट वो क्या करता है उसकी रिकरिंग बाइंग पोजिशन की वजह से वो मार्केट को यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है, एंड यू ऑल्सो एवरी वन नोज दैट कि भाई ये बहुत बड़ा प्लेयर है, एंड एवरी वन वॉन्ट्स दैट पर्टिकुलर कस्टमर, सो वो क्या करता है सब जगह पर जाकर एक एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। ऐसे भी लोग होते हैं, दोज हु आर द बिग बायर्स इन द इंडस्ट्री दे एक्चुअली हैव अ वेरी गुड बार्गेनिंग पावर इन द मार्केट बिकॉज दे आर द बिग प्लेयर्स। अब सबको पता है कि ये वाला बंदा बहुत ह्यूज क्वांटिटी में बाय करता है, सो वी वांट दैट पर्टिकुलर प्लेयर, ठीक है। यस, गवर्नमेंट के टेंडर्स जैसे कि होते हैं बच्चा पार्टी, गवर्नमेंट के टेंडर्स, तो गवर्नमेंट के टेंडर्स में क्या होता है, गवर्नमेंट तो बायर है, तो गवर्नमेंट इज अ बायर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग ओवर हियर कि जिसका सबसे लोएस्ट बिड आएगा उसको हम लोग देंगे, तो गवर्नमेंट यहां पर क्या कर रहा है, बार्गेनिंग पावर बता रहा है अपनी, कि सब लोगों को पता है ना बाहर के कि भाई ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में लेता है, अगर मुझे ये टेंडर मिल गया ना भाई मजा आ जाएगा, ठीक है। सो यू पुट द लोएस्ट ऑफ द कोर्ट, तो गवर्नमेंट यहां पर क्या रोल प्ले कर रही है, गवर्नमेंट यहां पर जो रोल प्ले कर रही है वो है बार्गेनिंग पावर का उनके बाइंग बार्गेनिंग पावर का। बचा पार्टी बताना, बचा पार्टी क्या आपको समझ में आ रहा है, यस ऑफ कोर्स दे आर द बिग बायर्स इन द इंडस्ट्री। The industry's product is not perceived as a critical to the buyer's needs and the buyers are more concentrated than the firm supplying the product. They can easily switch to the substitutes available. तो यहाँ पर बच्चा पार्टी क्या कर रहे हैं यहाँ पर क्या करते हैं कि जाने दो भाई सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। तो यहाँ पर सप्लायर को भी पता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट जो है ना इसके बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है, तो अगर हमने ये वाला प्रोडक्ट इस वाले प्राइस में नहीं दिया तो यार ये तो बड़ा वाला बायर है ये चले जाएगा, तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, शायद हम लोग उसको कम प्राइसेस में दे सकते हैं। तो यार एक बायर क्या बोलता है कि देखो भाई मेरे पास दो ऑप्शंस है, एक तो मैं ये वाला प्रोडक्ट खरीद लेगा या फिर मैं ये वाला प्रोडक्ट खरीदेगा, और मेरे को ये ह्यूज क्वांटिटी में चाहिए इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल जिसके सब्स्टिट्यूट ज्यादा है तो वहां पर भी अगेन बायर जो है ये उसकी बार्गेनिंग पावर बता सकता है, ठीक है। सो देखना, द इंडस्ट्री प्रोडक्ट इज नॉट परसीव्ड एज अ क्रिटिकल, मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट कुछ कोई भारी है नहीं, ठीक है, हम दूसरा भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। टू द बायर्स नीड्स एंड द बायर्स आर मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड देन द फर्म सप्लाइंग द प्रोडक्ट, तो बायर यहां पर बेटा
वो एक पोजीशन में है कि उनका डिसीजन है कि उनको क्या बाय करना है. सो दे कैन बाय द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एज वेल. गेटिंग समझ में आ भी गई हो? समझ में आ भी गई हो? यस सर समझ में आ भी गई हो. आगे बढ़े. समझ में आ गया बायस पावर, बायस बार्गेनिंग पावर समझ में आ भी गई बच्चा पार्टी? बताइए जल्दी से. यस सर समझ में आ रहा है सर, एकदम मजा आ रहा है. तो पॉटर का दूसरा पॉइंट क्या था? बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स. अब बेटा आगे बढ़ रहे हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स के बारे में. ठीक है, उन्होंने यहां पर बोला है कि बार्गेनिंग पावर ऑफ द कभी कभी सप्लायर भी होता है, सप्लायर की भी कभी कभी बार्गेनिंग पावर हो सकती है. क्या आप लोग थोड़ा सोचकर बता सकते हो कि सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर कब रहेगी? सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर कब रहेगी? थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा अपना दिमाग पर जोर डालिए और बताना मुझे. आसान है भाई, आसान है, सच्ची सच्ची आसान है. देखो यार, अगर सप्लाई काफी कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है, तो क्या यहां पर सप्लायर लूट सकता है? बिल्कुल, सप्लायर बोलेगा मैं तो अभी लूटेगा. आरआरआर मूवी आई है, आरआरआर. तो आरआरआर मूवी बच्चा पार्टी जब आई है मार्केट में आज, ठीक है, मतलब पिछले कुछ दिनों से 900 करोड़ का बिजनेस किया है. और जब ये मूवी बहुत ज्यादा चल रही है, तो यार ये लोग कुछ भी प्राइजेस को चार्ज कर सकते हैं, ज्यादा प्राइजेस को चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन्स कम है और देखने वाले लोग बहुत ज्यादा है, हाउसफुल चल रहा है. तो यहां पर ऑब्वियसली दे आर हैविंग द बार्गेनिंग पावर ओवर हियर इन देयर हैंड्स, क्योंकि वो जो है वो काफी ज्यादा स्कैर्सिटी में है और डिमांड उसकी बहुत हाई है. एसएस राजमौली, राइट, एसएस राजमौली, समझा ना बच्चा बैठी? तो यहां पर सप्लायर्स भी यहां पर कर सकता है क्या दादागिरी? बिल्कुल कर सकता है भाई. हर एक इंसान का दिन आता है, ठीक है, हर एक इंसान का दिन आता है बच्चा पार्टी. आज कल वो बायर वहां पर बार्गेनिंग कर रहा था, आज सप्लायर यहां पर कर सकता है. हर एक इंसान का दिन आता है. सो व्हेन द सप्लायर्स आर लिमिटेड, व्हेन द सप्लायर्स आर लिमिटेड इन नंबर, दे में ओपनली एग्जिबिट देयर बार्गेनिंग पावर. वो बोलेगा कि मैं ये टिकट 500 में ही बिकेगा, मैं ये टिकट 1000 रुपए में बिकेगा, ठीक है, रिक्लाइनर सीट 2000 रुपए का बिकेगा. कुछ भी कर सकता है वो, क्योंकि लोगों को तो मूवी देखनी है भैया, लोगों को मूवी देखनी है. तुम्हें पता है ऑनियन का प्राइजेस जब कम हुआ था, सॉरी प्राइजेस नहीं, प्राइजेस इंक्रीज हुआ था. क्यों इंक्रीज हुआ था रे ऑनियन का प्राइस? क्योंकि यहाँ पर सप्लाई कम था, सप्लाई बहुत ही कम थे, इतना कम था कि सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड सप्लाई था, लेकिन खरीदने वाले बहुत लोग थे. तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर ऑनियन के प्राइजेस, बच्चा पार्टी ऑनियन के प्राइजेस को उन्होंने कर दिया था कितना, 100 रुपए, 200 रुपए, 150 रुपए, जो चीज 20 रुपए किलो से मिल रही थी उसके भाव 100 रुपए, 200 रुपए हो चुके थे बच्चा पार्टी. सो व्हाट वाज दैट? बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर सप्लाई वाज लेस, द सप्लायर्स वेर लिमिटेड इन नंबर. और उन्होंने यहाँ पर बोल दिया कि डायरेक्टली मैं इतने में ही बेचेगा, लेना है तो लेने तो घर पर जाओ, ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चा पार्टी? इन दैट केस यहाँ पर सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर है. यस, द बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड द अदर इनपुट्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड देयरफॉर एन इंडस्ट्रीज अट्रैक्टिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी. इस टाइम पे ना बच्चा पार्टी, इस टाइम पर सब लोग क्या कर लेते हैं, बहुत मजे कर लेते हैं, यहाँ पर प्राइजेस को इंक्रीज कर देते हैं. मुझे आप लोग बताओगे, आप लोग बताओगे मुझे, कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस के टाइम पर मास्क जो थे, मास्क जो बिक रहे थे वो कितने में बिक रहे थे, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यहां पर. और जब यहां पर कोरोना बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था और 1 साल हो गया, 2 1.5 साल हो गया कोरोना को, उसके बाद मास्क कितने कितने प्राइस में बिक रहे थे? तो मुझे मास्क की आप लोग स्टार्टिंग के प्राइस बताओ और मुझे मास्क की आप बाद में के प्राइस बताओ. सैनिटाइजर्स का भाव क्या चल रहा था, पहले की प्राइस अभी की प्राइस? बेटा क्योंकि पहले लिमिटेड लोग उसको बेच रहे थे, क्योंकि पहले सप्लाई बहुत लिमिटेड था, खरीदने वाले बहुत ज्यादा लोग थे, तो उसकी प्राइस उस टाइम पे बहुत हाई थी. तो तब किसका बोलबाला था? तब सप्लायर्स का बोलबाला था. आज की तारीख में तुम मास्क की प्राइस देखो क्या है, क्योंकि आज की तारीख में बहुत ज्यादा सप्लाई है, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर, हर दुकान पे मास्क मिलेगा, हर दुकान पे मास्क मिलेगा, 100 मीटर चले जाओ मास्क मिलेगा. तो आज के टाइम पे मास्क की प्राइस बहुत ज्यादा कम हो चुकी है. वाई 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 बताइए बच्चा पार्टी, ऐसा आपने देखा है, ऐसा आपके साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है. बेटा मैंने भी बहुत महंगे में मास्क खरीदा था, बहुत महंगे में मैंने भी क्या किया था, सैनिटाइजर खरीदा था, राइट. यस,
अब यहां पर देखिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं. Their products are crucial to the buyers and substitutes are not available. भाई कोई substitute available ही नहीं था. बहुत crucial था मेरे लिए तब वो खरीदने का लिए. और यही crucial था ना, इसलिए यहां पर supplier ने क्या बोला, supplier ने बोला अब मैं इसको लूटेगा. ठीक है, मैं रुकेगा नहीं, मैं इसको लूटेगा. तो यहां पर बचा पार्टी, क्योंकि वो बायर के लिए बहुत क्रूशियल प्रोडक्ट है अभी, तो सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर ऐसे समय पर बहुत ज्यादा प्राइस में बेचेगा. ठीक है, देखना बचा पार्टी यहां पर. दे कैन एंश्योर द हाई स्विचिंग कॉस्ट, दे कैन एंश्योर द हाई स्विचिंग कॉस्ट एंड दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन देयर बायर्स एंड देयर लेस सप्लायर्स मोर बायर्स. ऑब्वियसली बेटा वही सारी चीजें हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन उन्हीं लोगों का ज्यादा है. यहां पर डेफिनेटली 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 क्या हो रहा है, यहां पर वो लोग आराम से तुमको ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं. समझ में आ गया ना, मैंने आपको थिएटर का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको कोरोना वायरस का एग्जाम्पल दिया, सैनिटाइजर का दिया, मास्क का दिया. आई होप दैट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगला यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट है. The nature of rivalry in the industry. हम लोग क्या देख रहे हैं, याद है ना तुमको, अदरवाइज वो भूल जाओगे. पॉटर के 5 woes मॉडल. पॉटर किसके बारे में बात कर रहा है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, कॉम्पिटेटिव मार्केट के बारे में बात कर रहा है. उन्होंने अपने 5 principles निकाले हैं. पॉटर्स 5 foes मॉडल. पहला क्या था, न्यू एंट्रेंट पर था. दूसरा क्या था, बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ द सेलर. और अभी फोर्थ पॉइंट क्या है, द नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री, नेचर ऑफ द राइवलरी इन द इंडस्ट्री. तो आपने को समझने का है, राइवलरी बिटवीन द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, ऑब्वियसली ना. राइवलरी किसके किसके बीच में रहेगी, ऑब्वियसली जो ऑलरेडी वो टाइप के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो ऑलरेडी उस टाइप की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके बीच में तो राइवलरी रहेगा. ऑब्वियसली उनके बीच में ही राइवलरी रहने वाला है. ठीक है, अब देखना बचा पड़ी यहां पर अच्छे से ध्यान दो, एवरी वन ओवर ईयर अच्छे से ध्यान देने का है आप लोगों को. 21 मिनट देना मेरे को, 21 मिनट. यस, गिव मी अ मिनट. हाँ, यस. तो यहां पर देखिए बच्चा पार्टी, दिस इज व्हाट नॉर्मली द अंडरस्टूड एज अ कंपटीशन फॉर एनी प्लेयर. द कॉम्पिटिटर्स इन्फ्लुएंस द स्ट्रेटेजिक डिसीजन एट डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लेवल्स. द इंपैक्ट इज मोर एविडेंट एट द फंक्शनल लेवल. फंक्शनल लेवल मतलब कौन सा लेवल, मैंने आपको बताया था बेटा, एक होता है कॉर्पोरेट लेवल, जो एकदम बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे कि मुकेश भाई अपने 10 अलग अलग बिजनेसेस के बारे में देखने वाले. वो 10 अलग अलग बिजनेस के स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, एक एक यूनिट, जैसे कि रिलायंस जियो, जैसे कि रिलायंस रिटेल, जैसे कि रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स का. ठीक है, तो अब ये पेट्रोकेमिकल्स है फॉर एग्जाम्पल, तो पेट्रोकेमिकल्स के अंडर जो लोग है ना, वो होते हैं हमारे फंक्शनल वाले लोग. ठीक है, तो क्या बोला है, द इम्पैक्ट इज मोर इविडेंट एट द फंक्शनल लेवल, लाइक इन द प्राइजेस बीइंग चार्ज्ड, मोर एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग एंड बिल्डिंग प्रेशर्स ऑन द कॉस्ट प्रोडक्ट एंड सो ऑन. तो राइवलरी बिटवीन क्या है, यहां पर एग्जिस्टिंग प्लेयर है. दिस इज वॉट नॉर्मली अंडरस्टूड एज अ कॉम्पिटिशन फॉर एनी प्लेयर. द कॉम्पिटिटर्स इन्फ्लुएंस द स्ट्रैटेजिक डिसीजंस एट द डिफरेंट स्ट्रैटेजिक लेवल्स. तो ज्यादातर यहां पर हम लोग को क्या देखना है, फंक्शनल लेवल की बातें करनी है. सपोज मेरा बिजनेस है फंक्शनल लेवल पर, जैसे कि मैं ले रहा हूं जियो, तो अभी मैं जियो में क्या करने वाला हूं, जियो में मेरी मार्केटिंग कितनी चल रही है, जियो में मुझे क्या नए डिसीजंस लेने हैं, जियो में मुझे क्या इन्वेस्टमेंट्स करना है. तो यहां पर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स में फंक्शनल लेवल पर देखेगा कि टेलीकॉम में और कितने सारे लोग हैं, और मैं टेलीकॉम फंक्शनल लेवल पर हैंडल कर रहा हूं, तो मुझे यहां पर देखना कि क्या क्या चेंजेस लेकर आने हैं. ठीक है, अब देखना यहां पर नेचर ऑफ द राइवलरी इन द इंडस्ट्री. इसमें हम लोग 6 पॉइंट्स देखने वाले हैं. कितने, 6 पॉइंट्स. और इस 6 पॉइंट्स को थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं. सो सी ओवर हियर, एंड इंडस्ट्री हैज नो क्लियर लीडर, देयरफॉर कंटिन्यूअस वॉर फॉर द लीडरशिप. अगर यहां पर देखो यार, हर एक ना बंदा यहां पर लीडर बनना चाहता है, जैसे कि एविएशन इंडस्ट्री में there are some players over there, paint industry में there are different players over there. अभी इनके बीच में rivalry चलते रहेंगी, Asian paints की rivalry, Berger paints, Nerolac और ये दूसरे सारे लोगों के साथ. ठीक है, so यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, an industry has no clear leader, therefore continuous war for the leadership. जैसे कि कुछ कुछ industry में leader है,
लीडर डेफिनेटली है, जैसे कि पेंट की इंडस्ट्री में देर इज अ बिग लीडर। कौन है इनका लीडर? एशियन पेंट्स, बाकी सारे छोटे छोटे प्लेयर्स हैं। और लीडर कौन है मेन लीडर है सबसे बड़ा? कौन? एशियन पेंट्स। तो राइवलरी लेकिन सबके बीच में हमेशा से चलते ही रहती है एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के बीच में। कॉम्पिटिटर्स इन द इंडस्ट्री आर न्यूमरस, ऑब्वियसली ऑब्वियसली देर आर न्यूमरस कॉम्पिटिटर्स ओवर देर। कॉम्पिटिटर्स ऑपरेट विथ हाई फिक्स्ड कॉस्ट एंड दस एमिंग फॉर द बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हर एक यहां पर जो कॉम्पिटिटर है वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने मशीनरीज में, अपने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में, या फिर अपने कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड कॉस्ट को लेकर। तो उसको उस फिक्स्ड कॉस्ट को क्या करना है? उसको उस फिक्स्ड कॉस्ट को कवर अप करना है। एंड व्हाट एवरी कॉम्पिटिटर इज थिंकिंग दैट कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, मुझे आरओआई ज्यादा मिलना चाहिए। देर इज ऑलवेज एन राइवलरी बिटवीन द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स आउट देर एंड एवरीवन इज थिंकिंग कि मैं कैसे मेरे कॉस्ट को बेटर यूटिलाइज करते रहूं। कॉम्पिटिटर्स फेस द हाई एग्जिट बैरियर्स एंड देयर फॉर कंटिन्यूज टू फाइट फॉर मार्केट शेयर, उनको उसका मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है। कॉम्पिटिटर्स हैव लिटिल अपॉर्चुनिटी टू डिफरेंशिएट द देयर ऑफरिंग्स, लिटिल अपॉर्चुनिटी टू डिफरेंशिएट देयर ऑफरिंग्स, क्योंकि एग्जिस्टिंग प्लेयर्स भी कुछ ना कुछ नया लेकर आ रहे हैं। मतलब तुम नया भी लेकर आते हो तो वो तुरंत कॉपी होने वाला है, तो हमारे पास ज्यादा स्कोप हमेशा बचता नहीं है। अगर तुमको लाना है तो बहुत ही तगड़ा वाला कुछ तो भी लेकर आना है तुम्हारे प्रोडक्ट और सर्विसेज में, जो कि डिफिकल्ट होगा कॉपी करने के लिए, जो कि डिफरेंशिएट करेगा। लेकिन हमेशा राइवल उसको लेकर ही आते हैं। जैसे कि अभी सपोज एयरटेल 5G को लेकर आता है तो इमिडिएटली जियो भी रेडी है, ठीक है? तो यार ये हर एक इंसान क्या कर रहा है, ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि कुछ तो भी अलग ऑफरिंग्स दे, ठीक है? जियो जैसे सब कुछ लेकर आ रहा है वैसे एयरटेल भी सब कुछ लेकर आ गया। जियो ने जैसे एप्लीकेशंस लाए वैसे एयरटेल ने भी लाए, ठीक है? सो द इंडस्ट्री फेसेस द स्लो और डिमिनिशेस द ग्रोथ। तो ग्रोथ ना यार एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर रुक जाती है, मतलब वो बहुत स्लो होती है, क्योंकि अभी एकदम टक्कर हो रही है, टक्कर की लड़ाई है ये, ठीक है? जैसे कि अगर मैं बात करूं लेटेस्ट से अगेन द एयरटेल एंड रिलायंस जियो, नाउ देयर ग्रोथ इज कंसिस्टेंटली गोइंग अप, बट द ग्रोथ इज वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट में ग्रोथ हो रही है उनकी, ठीक है? सो अगर हम लोग ये नेचर ऑफ द राइवल्स इन द इंडस्ट्री, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में कौन कौन राइवल्स है और उनको कैसे एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करना पड़ रहा है वो भी अगर हम लोगों ने सोचा, तो हम लोग इन सारे के सारे पॉइंट्स को यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हम लोग एक एक पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, ठीक है? पॉइंट बाय पॉइंट देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज हैपनिंग भाई, क्या हो गया ये? हाँ अभी आया, ठीक है? आई डोंट नो क्या हो गया था, बट यस। देखो बेटा, इंडस्ट्री लीडर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। किस में? अभी ये राइवल्स में पहला पॉइंट है, ठीक है? द नेचर ऑफ द राइवलरी, अभी 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स देखेंगे। तो ये इंडस्ट्री लीडर में क्या बोल रहा है? द स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री लीडर कैन डिस्करेज द प्राइस वॉर्स बाय डिसिप्लिनिंग द इनिशिएटर्स ऑफ सच एक्टिविटी बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अ लीडर कैन जनरेट द आउटलास्ट स्मॉलर राइवल्स इन द प्राइस वॉर। मतलब ये छोटे मोटे प्लेयर्स को बाहर भी निकाल सकता है जो कि इंडस्ट्री लीडर है। तो बेटा हमारे पास वही इंडस्ट्री लीडर था जियो, जो जिसके वजह से टेलीकॉम इंडस्ट्री के छोटे मोटे प्लेयर्स एब्सोल्युटली बाहर हो चुके थे। यस, तो यार वो क्या करता है, वो इन छोटे मोटे स्मॉल राइवल्स को टोटली उनकी खत्म कर देता है उनको, ठीक है? नोइंग दिस स्मॉलर राइवल्स ऑफन अवॉइड इनिशिएटिंग सच कॉन्टेस्ट। आते ही नहीं है भाई, आते ही नहीं है, ठीक है? मतलब यहां पर वो कुछ करते भी नहीं है, आइदर वो सेम स्ट्रेटेजी रखेंगे, वो कम्पीट करने की कोशिश नहीं करते, नहीं तो फिर वो अपना बिजनेस बेच देते हैं, ठीक है? सो ऐसे छोटे मोटे जो प्लेयर्स थे ना, उन्होंने अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी ही उनको बेच दी, डायरेक्टली खरीद लिया। ये बड़े प्लेयर्स हैं, बड़ी मछली छोटे मछली को खरीद लिया, ठीक है? यस, फॉर एग्जाम्पल इंडियाज डोमेस्टिक एयर ट्रैवल इंडस्ट्री हैज नो डेफिनेट लीडर एंड हेंस वी ऑफन सी द कट थ्रोट प्राइस वॉर। अगर कोई प्राइस लीडर नहीं होता है तो इसमें तो बच्चा पार्टी सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे सप्लायर्स की सिर्फ बैंड बजती है। जैसे कि हमारे एविएशन इंडस्ट्री में हम लोगों ने देखा है कितने सारे लोग एविएशन इंडस्ट्री में आए,
बैंकरप्ट हो गए, चले गए। डेक्कन एयरलाइंस खत्म हो गया, किंग फिशर खत्म हो गया, जेट एयरवेज खत्म हो गया, देन वी हैव एयर इंडिया खत्म हो गया, लेकिन एयर इंडिया को अभी खरीद लिया है टाटा ने। सो गाइज, व्हाट वाज हैपनिंग ओवर हियर, देयर वाज अ प्राइस वॉर। पहले एरोप्लेन के प्राइजेस बहुत हाई होते थे, अब एरोप्लेन के प्राइजेस में कॉम्पिटिटिवनेस आ गई, वहां पर वो डिस्काउंट्स दे रहे थे, डिस्काउंट्स देने की वजह से क्या हो गया, वहां पर प्राइस वॉर शुरू हो गया। इस प्राइस वॉर के चक्कर में उनके लॉसेस इंक्रीज होते गए, इतने इंक्रीज हो गए लॉसेस कि सारे प्लेयर्स यहाँ पर जो सर्वाइव नहीं कर सकते तो वो तो खत्म हो गए, ठीक है। सो यार ये बढ़िया खतरनाक होता है, जहां पर इंडस्ट्री लीडर नहीं होता है वहां पर तो हमेशा प्राइस वॉर होता है, जहां पर इंडस्ट्री लीडर आ जाता है वो ऐसा डोमिनेट करता है कि छोटे मोटे प्लेयर तो एकदम एग्जैक्टली खत्म हो जाते ही है, ठीक है। सो यहां पर उन्होंने एक एग्जांपल दिया था, कट थ्रोट प्राइजेस, ऑब्वियसली कट थ्रोट प्राइजेस, यू कैन राइट हियर द एग्जाम्पल ऑफ द जियो और यू कैन राइट हियर द एग्जाम्पल ऑफ द एयरलाइंस, ठीक है। सो यहां पर बच्चा पार्टी आप लोग लिख सकते हो एग्जाम्पल जियो, या फिर आप लोग यहां पर एग्जाम्पल लिख सकते हो एविएशन इंडस्ट्री, ठीक है, एविएशन इंडस्ट्री। तो यहां पर भी कोई क्या है, यहां पर तो कोई प्राइस लीडर है ही नहीं। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, इवन व्हेन ए इंडस्ट्री लीडर एग्जिस्ट, ठीक है, द लेंडर्स एबिलिटी टू एक्सर्ट द प्राइस डिसिप्लिन डिमिनिशेस with the increase in the number of rivals in the industry as communicating expectations to the players become more difficult. For example, the majorly in unorganized sectors like handicrafts, due to the huge number of producers, the internal rivalry is immense. जहां पर competition ज्यादा होता है, number of competitors is more, यहां पर उनके लिए ये pricing discipline धीरे 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 रिड्यूस हो जाती है, बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। सो आपको क्या याद रखना है, पहला पॉइंट यहां पर देखना, इंडस्ट्री लीडर, दूसरा पॉइंट यहां पर क्या है, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। सो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स अगर ज्यादा होते हैं तो यार डिफिकल्ट हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तीसरी चीज, फिक्स्ड कॉस्ट, when the fixed cost is huge, very very huge, dekhna, when the organization operate with the high fixed cost, ye bahut bada problem ho jata hai, koi log is high fixed cost ko reduce hi nahi kar pate aur uske wajah se wo khatam bhi ho jate hain, they are motivated to utilize their capacity and therefore are inclined to drop the prices. kuch log kya karte hain कि भाई कैपेसिटी बहुत है, अब ये कब जाएगी, हमारा वॉल्यूम यहाँ पर हम लोग जनरेट कर सकते हैं तो क्यों ना हम लोग प्राइजेस यहाँ पर रिड्यूस करते हैं, प्राइजेस रिड्यूस कर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश भी बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। एंड व्हेन दे हैव द एक्सेस कैपेसिटी तब ऐसा करते हैं, प्राइजेस कटिंग कॉजेज द प्रॉफिटेबिलिटी टू फॉल, ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी पे इशू होगा, ऑब्वियसली होगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा गेम खेलना चाहते हैं। फॉर ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री एंड एज दिस फर्म्स सीक टू प्रोड्यूस more to cover the cost that must be paid regardless of the industry demand, that is the fixed cost. For these reasons, profitability tends to be lower in the industries, for example airline. फिर से इन्होंने एयरलाइन लिया है, फिर से इन्होंने टेलीकम्युनिकेशन लिया है। बच्चा पार्टी देखना, यहाँ पर ये जो लाइसेंसेस जो होते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में, ये बहुत ह्यूज कॉस्ट होती है। आज के तारीख में अगर हम लोग बात करें तो वोडाफोन आइडिया इज इन ह्यूज डेट, ह्यूज डेट में है वो लोग, बहुत बड़े डेट में है। और अगर मैं बात करूं एयरलाइन इंडस्ट्री की, बेटा एयरलाइंस खरीदने के लिए उनके लीजेस, उनके पार्किंग चार्जेस, उनका फ्यूल इतना ज्यादा डायनेमिक होता है कि वो फ्यूल कॉस्ट हमेशा चेंज होती रहती है, तो यार यहाँ पर कॉस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और ऑन टॉप ऑफ इट राइवलरी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर प्राइजेस को रिड्यूस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा एयरक्राफ्ट से खाली जा रहे हैं, प्राइजेस को कम करो। ये प्राइजेस को कम करने के चक्कर में प्रॉफिटेबिलिटी की बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है प्रॉफिटेबिलिटी का। अगर सब कुछ बदल गया और हमारे पास ही कस्टमर्स टिकते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन वो टिक नहीं पाते क्योंकि हर कोई डिस्काउंट दे रहा है, हम हमेशा डिस्काउंट दे नहीं सकते, तो कभी ना कभी इसका बहुत ही गलत इम्पैक्ट हो जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत टाइम तक अगर कंटिन्यूसली हिट हो रही है तो वो हम लोग को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है लॉन्ग रन में, ठीक है। सो फिक्स्ड कॉस्ट एक बहुत खतरनाक रोल प्ले करता है, ठीक है। एग्जिट बैरियर्स, राइवलरी अमंग द कॉम्पिटिटर्स डिक्लाइन इफ अ फ्यू कॉम्पिटिटर्स लीव द इंडस्ट्री, ठीक है।
अगर कुछ प्लेयर्स चले गए, जैसे कि मैंने क्या बोला, टेलीकॉम इंडस्ट्री में छोटे मोटे प्लेयर्स थे, एयरसेल, टेलीनॉर वगैरह कुछ थे, लेकिन किसी ने उसको बाय कर लिया। अगर बाय कर दिया तो यार थोड़ा सा कॉम्पिटिशन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर टेंड्स टू बी हायर इन द इंडस्ट्री वेयर द फ्यू एग्जिट्स द बैरियर, ठीक है। सो एग्जिट बैरियर कम इन मेनी फॉर्म्स। असेट ऑफ द फर्म considering exit may be highly specialized and therefore a little value to any of the firms and therefore such firms may not be able to find a buyer for its assets. तो यार अगर किसी के assets बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम है, तो यार उनका कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है इतना, लेकिन किसी किसी का major impact हो सकता है। This discourages the exit and when the barrier to the exit are powerful, देखो हाँ दोनों दोनों बातें बोली हैं, when the exit are powerful competitors desiring to exit may refrain from leaving and their continued presence. देखो यार यहां पर मैं आपको बता देता हूं, आप लोग गूगल कर लेना, वोडाफोन आइडिया, कुमार मंगलम बिरला ने एक बार बोल दिया था कि अगर यहां पर गवर्नमेंट हमारे इस जो हमें गवर्नमेंट को चार्जेस पे करने एजीआर ड्यूज अगर वो कम नहीं किए, अगर उसका इंस्टॉलमेंट बढ़ाया नहीं, तो हम लोग नहीं डरेंगे, हम लोग कंपनी भी बंद कर देंगे, क्योंकि हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। यार उनको छोड़ना है बिजनेस, लेकिन वो छोड़ भी नहीं सकते हैं, छोड़ना है बट छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि उनके एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है। तो उनको लग रहा है कि हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन वो सस्टेन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो यार कभी कभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ये एग्जिट डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि हम लोग उस दलदल में फंस चुके हैं ना, तो हम लोग बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, हम लोग उसको कंटिन्यूअसली करते ही रहते हैं। यार उस चक्कर में लॉसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, अभी सोचते कि यार भाई इतना लॉस कर लिया है, तो और थोड़े टाइम रुकते उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यार ये बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यार उनके पास आज बहुत अच्छे असेट्स हैं, उनके पास बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे, एक टाइम पे वो लीड भी कर रहे थे, तो ऐसे समय पर यार ये डिसीजन लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। सो देखना है यहाँ पर, their continued presence in the industry exerts the downward pressure on their profitability of all the competitors and the crux is if the organization cannot exit it would fight for its survival and thus intensify the competition, ठीक है। वो फिर कुछ ऐसा स्टेप लेते हैं कि भाई मैं भी नहीं टिक रहा हूं तो तू भी नहीं टिकेगा, लेकिन इस टाइम पर ना उनको तो उनके सामने जो कॉम्पिटिटर्स है उनको वो टफ कॉम्पिटिशन भी नहीं दे पा रहे हैं, एयरटेल एंड जियो नहीं दे पा रहे वो, क्योंकि उनके सामने बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं, ठीक है, और वो किसी ना किसी तरीके से प्राइसेस को इंक्रीज करना चाहते हैं लेकिन कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि एयरटेल और जियो से ज्यादा प्राइस वो चार्ज करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि यार एक तो सर्विस इतनी अच्छी नहीं है, उसमें से प्राइसेस अगर वो चार्ज कर देंगे तो क्या होगा। तो यार बहुत डिफिकल्ट डिसीजंस ऐसे टाइम पर हो जाते हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कहना चाहता हूँ। Yes, are you getting it? Exit barriers बड़ा difficult होता है। Product differentiation की बात करें, so definitely you should have a very unique product over here. Firms can sometime insulate themselves from the price wars by differentiating. बेटा, अगर तुम्हें price war के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो तुम्हारे पास ऐसा कोई product होना चाहिए जैसे कि Apple. Apple बेटा यहाँ पर है मोबाइल, कितनी सारी मोबाइल कंपनीज है, there is a price war there, but एप्पल के पास डिफरेंसिएशन है और उस डिफरेंसिएशन के कारण एप्पल आज मार्केट में टिका है। भाई तुम्हें जितना लड़ना है लड़ लो, मेरे पास कुछ यूनिक चीजें हैं और मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो मार्केट में टिक कर रहेगा। तो बेटा उस टाइप का डिफरेंसिएशन आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो तुम लोग भी ऐसे ही प्राइस वॉर के दलदल में फंसे रहोगे। तो देखना, यू हैव टू इंसुलेट मतलब कुछ तो भी, तुमको ऐसी सारी चीजों से क्या करना है, तुम बचकर रहोगे। क्यों बचकर रहोगे? अगर तुम्हारे पास प्रोडक्ट डिफरेंसिएशन है तो, ठीक है। As a consequence, profitability tends to be higher in the industry that offer the opportunity to differentiate. Apple के पास कितनी amazing profitability है भाई, क्यों है? Because of the product differentiation, क्योंकि उनकी profitability वहाँ पर बहुत 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 ज़्यादा high है, right? Yes. So profitability tends to be lower in the industry involving undifferentiated commodities, वहां पर profitability issue होगा, बिल्कुल वहां पर profitability issue होने ही वाला है, क्योंकि यार कुछ भी different नहीं है ना, क्या है? Undifferentiated products के लिए क्या कुछ नहीं होगा भाई, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? Yes. So for example, ONGC, Indian Oil cannot offer the major product differentiation in their product, hence the level of competition would always be very, 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 very high. तो आपको समझ में आ रहा है?
समझ में आया ना, एप्पल क्यों यूनिक है, एप्पल क्यों मार्केट में टिका है, क्योंकि उसके पास डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन के कारण प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। और अगर आप सेम टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर आपके प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं है, तो यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट होगा और हमेशा रहेगा, और हमेशा तुम लोग को इस चीज से फाइट करते रहना पड़ेगा। स्लो ग्रोथ इंडस्ट्रीज हुज ग्रोथ इज डिक्लाइनिंग टेंड टू फेस मोर इंटेंस राइवलरी, क्योंकि अभी तुम्हारे पास स्कोप बचा है नहीं। So it is because the industry growth declines, rivals will often fight harder to grow and sustain the existing market share, and the resulting in intensive rivalry tends to reduce the profitability. So यार market saturate हो चुका है, market saturate है तो growth ज़्यादा है नहीं, थोड़ा 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 customer आएगा, लेकिन अब ये थोड़े थोड़े customer के लिए हर एक player क्या कर रहा है, लड़ रहा है, और हर एक player कुछ ना कुछ better offer करने के लिए देख रहा है। इस case में क्या हो जाएगा, इस चक्कर में उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा हैम्पर हो जाएगी, बिकॉज एवरीवन वांट दैट 1-2% ऑफ द ग्रोथ जो हो रही है मार्केट में, ठीक है। सो यहां पर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होती है, बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। सो वी हैव सीन राइवलरी अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स कितना डिफिकल्ट होता है, कितना डिफिकल्ट होता है, राइट। हम लोगों ने सारे पॉइंट्स देख लिए, द फिफ्थ पॉइंट हमको देखना है यहां पर, जो है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स का, लेकिन यार समय हमारे पास है नहीं, और 9 बजे तुम्हारा क्लास भी है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी तुमको सिर्फ इसका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगा। 20:55 को मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, ठीक है, 3 मिनट, ठीक है, 3 मिनट दे रहा हूं मैं इस पॉइंट के लिए, ठीक है, फिर मैं तुमको छोड़ दूंगा, ठीक है। देखना यहाँ पर ये पॉइंट बचा है यार, मुझे इसके लिए तो और थोड़ा समय चाहिए था, बट कोई बात नहीं, एग्जाम्पल ज्यादा लेते तो जनरली टाइम लग जाता है, ठीक है, बट दैट्स फाइन। Threat of substitutes. Substitute products are hidden but existing source of competition in the industry. In many cases, they grow to become the major constituent of the competition. Substitute products that offer a price advantage. Substitute products that offer a price advantage and performance improvement to the consumers and can drastically alter the competition character of the industry. Surprisingly, they can bring it all about sudden. यहां पर ये कहना चाहते हैं कि substitutes भी एक बहुत important role play करता है. Existing players जो rivals है एक दूसरे के, वो तो important role play करते ही हैं, जो same type का product दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई substitute है market में तो वो उसका भी बहुत बड़ा problem होता है, बहुत बड़ा problem होता है, ठीक है। So दे आर ऑल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल, ऑब्वियसली दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और अगर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट बहुत ही प्राइस एडवांटेज, मतलब बहुत ही अच्छे भाव पर वो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट मिल रहा है, और वो भी बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस के साथ, तो यहाँ पर वो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट को जनरली हम लोग लेना पसंद करते हैं। सो वेर एवर द सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन R&D इज टेकिंग प्लेस, जहां पर कंटिन्यूअसली कुछ इनोवेशन हो रहा है, जहां पर कंटिन्यूअसली कुछ R&D हो रहा है, सो वहां पर थ्रेट होता है फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स कैन बी एक्सपेक्टेड, एंड सब्स्टिट्यूट्स टू यूजुअली लिमिट द प्राइसेस एंड प्रॉफिट्स ऑफ द इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट यहां पर तुम्हारे मेन प्रोडक्ट की प्राइसेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है, बिल्कुल अफेक्ट करता है, बिल्कुल अफेक्ट करता है। और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अगर अच्छे प्राइस पर और अच्छे परफॉर्मेंस के साथ मिल रहा है, तो वो भी तुम्हें अफेक्ट करता है तुम्हारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को, यस। तो डू सब्स्टिट्यूट प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ऑफ कोर्स दे डू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। जाने से पहले मैं आप लोग को फिर से सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स बताना चाहता हूं यहां पर बच्चा पार्टी। 5 पॉइंट्स कौन से है, 5 पॉइंट्स देखते बच्चा पार्टी यहां पर इस डायग्राम पर, फिर से 5 पॉइंट ये रहे तुम्हारे सामने। तो क्या था, पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट। दूसरा क्या था, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, देन इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स दैट इज राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, एंड ये था सब्स्टिट्यूट्स के बारे में। सब्स्टिट्यूट्स को और भी डिटेल में देखेंगे। जाने से पहले बच्चा पार्टी बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर किसी को भी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना होगा अनअकैडमी पे, तो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई माय कोड दैट इज DAGA10। कल मिलेंगे फिर से 8 बजे बच्चा पार्टी, सो भूलिएगा मत। इफ यू लाइक द सेशन डू लाइक इट एंड शेयर इट विद द मैक्सिमम पीपल आउट देयर। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल सब्सक्राइब टू द चैनल। यहां पर आप लोग देख सकते हो
24, 18, 12, 6 months and 3 months के subscription prices आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा. Unlimited access to unlimited videos out there. You can go for the iconic subscription as well, जहाँ पर आपको reference book मिलेगी, live mentorship मिलेगी. आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बेटा 24 months, 18 months, 12 months और 6 months के हैं. यहाँ पर light subscription में आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ test series को access मिलता है. You can apply the code DAGA10 and you can just get started with your plus classes. ठीक है. So thank you so much guys, thank you so much, tata, bye bye and